पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाकालेश्वर धाम मंदिर में शारदीय नवरात्र का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जहां भक्तगण बड़ी तादाद में पहुंचकर माता रानी की उपासना कर रहे हैं, तो वहीं पूजा अर्चना करके धर्म लाभ कमा रहे हैं। इस दौरान आचार्य रवि शास्त्री जी महाराज ने बताया कि माता रानी के 9 स्वरूप हैं, जिनकी उपासना भक्तगण कठिन भक्ति से करते हैं और पूरे 9 दिन माता 9 देवी की पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आचार्य रवि शास्त्री माता रानी की उपासना के विषय पर जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि एक वर्ष में माता रानी के 4 नवरात्र आते हैं, जिसमें 2 नवरात्र उत्सव गुप्त होते हैं और 2 अन्य नवरात्रों के उत्सव आते हैं, जिसमें भक्तगण उनकी उपासना करके भक्ति रस में सराबोर नजर आते हैं। इस अवसर पर मंदिर संरक्षक महेश अग्रवाल ने बताया कि माता रानी की उपासना के लिए दूर दराज से भक्तगण आते हैं और माँ अम्बे के समक्ष दीप प्रज्वलित करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे 9 दिन प्रातःकालीन सत्र में पूजन होता है, तो वहीं सायंकालीन सत्र में माता रानी का भजन कीर्तन करके उनकी उपासना की जाती है। आज से माँ भगवती के नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि इनके नवरात्र एक वर्ष में 4 बार आते हैं। 2 प्रसिद्ध होते हैं और 2 गुप्त होते हैं। गुप्त वाले जो नवरात्र होते हैं वो देवताओं के लिए अधिक प्रिय होते हैं। उसमें भगवान शिव ने भी माँ भगवती की आराधना की है और इस शरदीय नवरात्र में भगवान श्री राम ने 9 दिन तक आदिशक्ति माँ भगवती, जगत जननी विश्वव्यापनी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, जगदम्बा के स्वरूप में जो बैठी हुई हैं दुर्गे माँ, इनकी 9 दिन तक की है। प्रथम शैलपुत्री चार की ब्रह्मचारण ही प्रथम शैलपुत्री से लेकर के और नवम सिद्धात्री ही ऐसे माँ भगवती के 9 स्वरूप हैं, इसलिए इनको नवदुर्गा कहते हैं। जो भी भक्त इसमें श्रद्धा भक्ति के अनुसार कलश स्थापित करते हैं, अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या कराते हैं या सुनते हैं माँ भगवती की, उनके परिवार पर सदा असीम कृपा बनी रहती है। मंगला मंगलमुखी मंगल करें नरनार में, चंड का चंद शेर पर सुख दें सकल परिवार। मंदिर प्रांगण ऐसा माना जाता है कि भगवान ने 9 दिन तक इनकी आराधना करने के उपरांत विजयदशमी के दिन रावण के लिए उस पर विजय प्राप्त की, उसका वध किया था। तो ये सब शक्ति आज तक 2 ही हुई हैं, एक शक्ति माँ गौरी हुई हैं, माँ भगवती दुर्गा के रूप में हैं, दूसरी शक्ति माँ सीता हुई हैं। तो सीता ने भी माँ गौरी की उपासना की है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब होए सुखारे। देवता भी इनकी आराधना करते हैं क्योंकि ये महादेवी हैं। भगवान शिव ने भी इनकी आराधना की है, उसी के प्रसाद के रूप में जो विभक्त इनकी अर्चना आराधना वंदन नमन व्रत उपवास अनुष्ठान करेंगे, माँ भगवती की असीम कृपा से हमें सदा मिलेगी।